बुआ जी हमारी लगी पड़ी है। एक कटहल देखो अपना फ्राई होके भाई आ गया खाने के। ये वाला कटहल पापा तोड़ने देखो अभी। तो ये कटहल आ गया भाई अपन, देखो गंदी कितनी भाई। बच्चे भाई बहुत परेशान करते बहुत ज्यादा। अभी खाद वाद डाली गई है तो भाई इतने लहलहा रही। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे भाई, जहाँ भी होंगे सब लोग ठीक ठाक होंगे। और खासकर भाई अपने सऊदी वाले भाई, आजकल भाई कैसा काम धाम चल रहा है भाई, हंगर जहाज में फूड डिलीवरी वाले को भाई काम कैसा चल रहा है। और आज भाई अभी मैं हूँ अपने खेत की साइड में आया हूँ, और अभी यहाँ पे धान की खेती हो रही है, लेकिन भाई पानी ना अभी जो होना चाहिए, जो बारिश होनी चाहिए वो बारिश नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह से ना धान में बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि पानी भाई इतना है नहीं, तालाब में इतना पानी है नहीं कि आदमी, और आजकल ना लाइट भी इतनी भाई कट हो रही है कि जो पानी चाहिए खेत को भाई पानी वो मिल नहीं पा रहा है। बाकी ये देखो भाई हमारे पीछे तालाब है ना, ये एक टाइम पे बारिश में ना पूरा यहाँ भरा होता था, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना यहाँ पे भी खड़े नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी क्या है कि भाई बारिश के हालात ऐसे हैं कि मौसम तो भाई बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है जैसे अभी पानी ही बरसेगा, लेकिन पानी बरस नहीं रहा है, पता नहीं क्या हालात है भाई। ये है भाई इसके अंदर धान लगे हुए हैं, और ये जो तार लगाया गया है, ये तार भाई ये एक्चुअली करंट वाले तार नहीं है, करंट वाले लगाए नहीं, क्योंकि हालांकि लोगों ने करंट वाले भी लगा रखे हैं लेकिन हमने नहीं लगाए हैं। और इसमें क्या भाई दिक्कत इसलिए है कि जानवर जो है ना भाई वो फिर आके फिर नुकसान करते हैं, तार भाई इसी वजह से बांधे गए इतनी एक ही, ताकि इसके अंदर जो बड़े जानवर जैसे नील गाय वगैरह है जो घुस के भाई नुकसान करती वो ना करे। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ धान के हालात कैसे हैं भाई, ये देखो अभी तो इसमें पानी भरा हुआ था, तो आध वाद डाली गई है तो भाई इतने लहलहा रही। ऐसी फसल भाई किसान देख के ना, ऐसे ही हालात ऐसे अपने खेत के ऐसे होते हैं ना, तो भाई इसका देखने का अपना अलग ही मजा होता है, एकदम हरे भरे धान एकदम बिल्कुल एकदम गिरी भाई कच्च, जिसे देहाती भाषा बोलते नहीं भाई कच्च, तो धान वैसे अच्छा है ये। और फिर भी अपने देखो अभी साइज अपना ले रहा है, तो हालांकि इसकी बाढ़ ज़्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी धान तो ठीक है। बाकी अभी ज़मीन देखो अभी काई वाली हो गई है, इसमें क्या है अभी घास वगैरह फिर उगने लगी हैं, और ये ज़्यादा खाद डालने की वजह से भाई ना अभी खाद ज़्यादा डालो इसमें घास की, ये खाद डालो वो खाद डालो, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन क्या करें भाई, इसकी वजह से धान भी बिना खाद के आजकल धान भी नहीं ना होता है। देखो गांव का मौसम भाई, इस साइड में गांव है, ये हमारा पूरा गांव है इस एरिया में, देखो पूरा इधर ये पूरा गांव का एरिया है इस साइड में। इस टाइम पे ना भाई हवा इतनी प्यारी हवा चल रही है, यहाँ पे पेड़ के पास बैठा हूँ, ये रहा भाई आम का पेड़। पहले यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे भाई, ये ज़्यादातर लोगों ने भाई खेत बनाने के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में पेड़ अच्छे अच्छे पेड़ भाई कटवा दिए हैं। लेकिन भाई जितने भी पेड़ अभी भी है ना, अभी हवा आप पेड़ के नीचे भाई आके यहाँ पे बैठो ना, चरपाई डाल के भाई साहब एसी कूलर फेल है इसके आगे, बता रहा हूँ एसी कूलर फेल है भाई। मैं अभी चल रहा हूँ अपनी बाइक को साफ करने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया भाई ऐसे खड़ी होती, इसको कोई चलाता नहीं इस गाड़ी को, और स्टार्ट नहीं हो रही। अभी मैं इसको स्टार्ट करके देख रहा हूँ, लग रहा है इसकी बैटरी उड़ गई है क्योंकि इतनी चलती नहीं है भाई ये बाइक, और अभी अपनी भी हैबिट नहीं है, तो पहले बाइक निकालता हूँ भाई, देखता हूँ स्टार्ट करके स्टार्ट होती कि नहीं होती है। और इसका ब्रेक जो है ना भाई अजीब सा लग रहा है मेरे को तो भाई ये थी अपनी गाड़ी, ये अपनी पहली गाड़ी थी CBZ, उसके बाद मैंने ये अपाची 160 ली थी, उसके बाद ये ली थी 180। पहले अभी इसको हम यहाँ निकालते हैं और अभी इसकी करेंगे धुलाई, इस गाड़ी को साफ करके फिर आप हम इसी से घूमने जाएंगे। आए अभी स्टार्ट करने नहीं जा रहा हूँ, बच्चे भाई बहुत परेशान करते बहुत ज़्यादा, अभी सोच रहे मैं कहीं लेके जा रहा हूँ, अभी हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, अभी स्टार्ट नहीं हो रही भाई, अभी इसको मैं चेक करके देख रहा हूँ, ठीक है देखता हूँ स्टार्ट होती है। हटो पैर उठाओ, हटो सेल्फ मार के देखूँ भैया, सेल्फ से रुक जाओ, हटो हटो देखूँ भाई। गाड़ी अपनी भाई बहुत गंदी हो चुकी है, और हालांकि साफ़ सुथरा इतना होता है लेकिन यहाँ पे किसी को टाइम नहीं मिलता, अपने पास फुल टाइम है। अब इसको आराम से यहाँ पे मैंने लिखवाया था अपना नाम एस खान, इसमें मैंने डिजाइन बनवाई थी, ये तो मैंने दिल्ली का टाइम पे बनवाई थी। बाकी ये था मेरी गाड़ी का नंबर, और
उस टाइम पे हमने अच्छा इसका मॉडिफिकेशन कर रखा था, लेकिन अभी इसने गाड़ी देखो बहुत सारी कंडीशन इसकी ख़राब हो गई है। और अभी मैं आया हूँ, अब इसको हम प्रॉपर तरीके से रिपेयर कराएंगे इस गाड़ी को। देख रहे हो क्या है, इसका लुक पूरा ख़राब गया है। अभी इधर सारा ये सब हो रहा है, क्योंकि ये गाड़ी जो है अब इस टाइप की भाई गाड़ी नहीं आ रही, इस क्वालिटी की ना गाड़ी नहीं है। क्या शानदार लगती थी एक टाइम पे अपाची भाई, पहली गाड़ी भाई अपनी, ये देखो साफ़ हो गई, इसको पूरा एकदम चमका दिया है, एकदम मस्त। अब अपनी गाड़ी हमने दूसरी लगाई है, और ये देखो बच्चे हमारे यहाँ घर में सारे भाई इस टाइम पे खुली आतंक मचा रखा है, अम्मी को भाई भाई परेशान कर रखा है इन लोगों ने। देख रहे हो यहाँ पे छेक छेक के परेशान कर रखा है, क्योंकि इधर भाई कोई नुकसान ना कर पाए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं ना, तो ये सब भाई नोच रहे हैं, इसलिए इनको देखना पड़ रहा भैया कोई नुकसान ना कर पाए। और ये गाड़ी भाई, इसको अपनी स्कूटी साफ़ करता हूँ मैं, चमकाता हूँ पहले। देखो गंदी कितनी भाई, इसमें पता नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही, हालांकि बहुत ज़्यादा ही गंदी है हमें नज़र आ रही। देखो भाई कितनी गंदी है, अब इसको धुलता हूँ आराम से तसल्ली से। तो भाई अभी हमने भाई गाड़ी वगैरह साफ़ करके अभी चल रहे हैं अपने खेत को, खेत में भी चल रहे हैं, अपने खेत में है भाई कटहल, और कटहल तोड़ के लाते हैं। आज बने घर पे कटहल की सब्जी, आओ समायरा, आ जा आ जा आ जा आ जा भैया। देखो पेड़ पे हमारे चढ़ गए हैं कटहल काटने के लिए, देख दादू कहाँ गए। ये भाई कटहल फले हुए हैं, और हाँ इधर भी भाई कटहल फला हुआ है, हाँ इधर भी कटहल फला हुआ है। और पापा कहाँ गए, ये आ गए। ओ भाई साहब बहुत बहुत कटहल फले हुए हैं, बहुत ढेर सारे। हाँ अभी दे रहे हैं, ये मांग रही हमें कैच दो, कैच इनसे हो पाएगा। ये वाला कटहल पापा तोड़ रहे हैं, देखो अभी आता है नीचे, अब इसको काट के पता करेंगे, देखते हैं कच्चा है या पक्का है। ये आ गया कटहल, को पकड़ते हैं कटहल। ये देखो ये गिरा कटहल, ये गिरा, तो ये कटहल आ गया भाई अपना है। ये कटहल आ गया, पकड़ो तुम्हारा, पकड़ 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 कटहल में ना, तोड़ो भाई, देखो हाथ में ऐसे दूध लग जाते, फिर ये भाई इसको तेल लगा के काटो ना, तभी भाई इससे बच पाओगे, नहीं तो बहुत गंदा है। और बाकी ये देखो भाई, ये देखो ये है कटहल, ये है कटहल, और इसको भी लेके चलेंगे अभी काटेंगे, और देखते हैं इसको काट के कच्चा निकलता है पक्का निकलता है। तो चले जा रहा समारा, चले क्या जा 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 जा। तो भाई पहले लग रहा है पापा लगा रहे हैं कौन सा तेल है, सरसों का, ताकि भाई इसमें जो दूध है ना वो भाई ना लगे। और देखते हैं अभी काट के कि इसमें कटहल कच्चा निकलता है पक्का निकलता है। ये देखो भाई फाइनली कटहल अपना कट रहा है, और अभी देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, कच्चा है या पक्का है। पक्का होगा तो अभी मुश्किल है, पक्का वैसे क्योंकि बड़ा हार्ड कट रहा है। ये देखो पक रहा था, अभी ठीक है फिलहाल, देखो अभी तो काटने पे ठीक निकल रहा है। ये देखो अंदर सीन सही है। कटहल देखो अपना फ्राई होके भाई आ गया खाने के लिए। सब्जी कम खाते हैं, फ्राई कटहल ज्यादा खाते हैं भाई, मछली से भी ज्यादा टेस्टी होता है इसका टेस्ट। तो ये देखो हॉल लाइन लगी बच्चों की, देखो एक इधर समायरा है और इधर जायरा खा रहे खाने के लिए खड़ी हैं, और इधर आयत खा रही है। अच्छा तुम खजूर खा रही हो, आयत खजूर खा रही, मैं समझा कि कटहल खा रही हैं। आतिफ ये इधर लेटे, ये भी इंतजार कर रहे हैं, अभी आ रहा है भाई कटहल ठंडा करके खिलाया जा रहा है। ये देखो हमारी सायरा समायरा खा रही कटहल गरम गरम। भैया ज़्यादा गर्म है अभी, ज़्यादा गर्म है। तो भाई इसका टेस्ट जो है बहुत ही दमदार टेस्ट होता है, अच्छे से अगर फ्राई हो जाए ना तो फिर तो इसका क्या ही बात है। फ्राई वाला कटहल खाने का अपना अलग ही मजा है। और किचन में देखो भाई हमारी बुआ जी लगी पड़ी हैं कटहल फ्राई करने में। ये कटहल है जो अभी हमने काटे थे, और इसको उबाला गया है। उबालने के बाद में इसका ये सेकंड प्रोसेस हुआ है इधर ना, ये सेकंड, बाकी इधर चटनी बन रही है। अरे भाई साहब मामला सारा भाई रेडी हो रहा है, और ये कढ़ाई में अपने कटहल को फ्राई किया जा रहा है। तो भाई कुल मिला के चीज़ें जो हैं अभी किचन में सारी बिखरी पड़ी है इधर उधर, और यहाँ पे ये सबसे मेन चीज़ है, ये उबाला गया है, और इधर ये देखो चटनी बन रही है खाने के लिए हम लोगों को। और अभी फटाफट बाकी बुआ जी हमारी लगी पड़ी हैं, मेहनत कर रही है, देख के आराम से तो ऐसे खाने का मज़ा भाई यही मिल सकता है, वहाँ तो नहीं मिल सकता। ड्यूटी वोटी आदमी करने वाले भी लोग कहाँ टाइम मिलता है। और देखो भी बच्चे भी सारे भाई कटहल कैसा लग रहा है खाने में, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। जायरा को तो पसंद ही नहीं है, और समायरा कहाँ है भाई, बच्चे कहाँ हैं, एक भाई इधर।